Good morning, student. Today we will start chapter 3 of English grammar. He, she. Okay. Read these sentences. Anne is a girl. She likes to dance. Alex is her brother. He likes to paint. Anne एक लड़की है जिसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है. She likes to dance. Alex is her brother. He likes to paint. Alex जो इसका भाई है उसको पेंट करना बहुत अच्छा लगता है. He likes to paint. Okay. क्योंकि हम लोग का टॉपिक है ही एंड शी के बारे में, तो हम लोग यही इसको देखेंगे. वी यूज सी फॉर अ गर्ल और अ वुमेन. वी यूज ही फॉर अ बॉय और अ मैन. इसमें बता रहा है कि वी यूज शी फॉर अ गर्ल और अ वुमेन. हम लोग शी का तब यूज करते हैं यदि कोई गर्ल हो या वुमेन हो. ठीक है. वी यूज ही फॉर अ बॉय और अ मैन. और हम लोग ही कब तब यूज करते हैं यदि कोई बॉय हो या मैन हो. ठीक है. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स गिवन है. ठीक है. आप लोग को दो कॉलम दिया हुआ ही और शी का. जो बॉय है हो या मैन हो उसको इस कॉलम में लिखना है. जो गर्ल हो या वुमेन हो उसको इस कॉलम में लिखना. जैसे ग्रैंड मदर इसमें, फादर ही, सन ही, अंकल ही, डॉटर शी, मदर सी. तो आज हम लोग क्या पढ़े इसमें कि यदि जब भी यदि कोई गर्ल हो या वुमेन हो तो शी का यूज होता है, और यदि बॉय हो या मैन हो तो ही का यूज होता है. ठीक है. नाउ टर्न द पेज नंबर 10. A boy or a man is called a male. A girl or a woman is called a female. Example, father is a male and mother is a female. तो यहाँ पे बता रहा है जब भी कोई boy हो या man हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, male बोलते हैं. यदि कोई girl हो या woman हो तो उसे हम लोग female बोलते हैं. जैसे example के लिए घर में father male होते हैं और mother female होती है. उसी तरह brother male होते हैं, sister फीमेल होती है, अंकल मेल होते हैं, आंटी फीमेल होती है. ठीक है. तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पहले पढ़े यदि कोई गर्ल हो या वुमेन हो तो शी का यूज होता है, यदि कोई मैन हो या बॉय हो तो ही का यूज होता है, यदि कोई बॉय हो या मैन हो तो मेल कहलाता है, यदि कोई गर्ल हो या वुमेन हो तो फीमेल कहलाता है. ठीक है. Similarly for animals we use different word for males and females. Example, उसी प्रकार animals के लिए भी different words use होता है. ठीक है. हम लोग देखेंगे male and female. तो male में lion को lion ही बोलते हैं और female में lioness बोलते हैं. ठीक है. उसी प्रकार male में horse बोलते हैं तो female में mare बोलते हैं. उसी प्रकार मेल में ड्रैग बोलते हैं तो फीमेल में डक बोलते हैं. ठीक है. तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ही एंड शी के बारे में पढ़ा कि ही एंड शी का यूज कब होता है, फिर मेल फीमेल के बारे में पढ़ा. ठीक है. और फिर हम लोगों ने एनिमल्स को भी डिफरेंट वर्ड से बोलते हैं उसके बारे में देखा. ठीक है. एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी. शी का यूज तब होता है यदि कोई गर्ल हो या वुमेन हो. ही का यूज तब होता है यदि कोई बॉय हो या मैन हो. यदि कोई बॉय हो या मैन हो तो उसे मेल बोलते हैं, यदि कोई गर्ल हो या वुमेन हो तो उसे फीमेल बोलते हैं. ठीक है. आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा तो आप लोग ये चैप्टर जरूर 2 से 3 बार पढ़िएगा, जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ. ठीक है. अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा आप लोग बार बार इस वीडियो को देख सकते. ठीक है. और 2 से 3 बार जरूर रीड कीजिएगा क्योंकि रीडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है. ठीक है. ओके. थैंक यू.